हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस गार्लिक वाइन का रिपोर्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर खिल रहा है, ये एकदम गुच्छों में खिलता है। देखिए कितना सारा इसमें खिला हुआ है फ्रेंड्स। ये सबसे पहले इस प्रकार के आते हैं, देखिए ये अभी खिला नहीं है। खिलने के बाद ये इस प्रकार के पर्पल रंग हो जाते हैं और आखिर में ये हल्का सा पर्पल से एकदम वाइट हो जाता है, जैसे इसमें है वाइट। देखिए दोस्तों, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो इसमें दो कटिंग है और इसको मैं ये 12 इंच के पॉट में और एक को मैं इस प्रकार के ग्रो बैग में ग्रो करूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं मिट्टी की, तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, इस मिट्टी में मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने खाद और जो देना है इसमें मैंने खाद को मिक्स करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स। अब इस प्रकार से खाद को जो मिक्स करके रखिएगा, क्योंकि जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उस समय हमें उतना समय नहीं मिलता कि आप इसको तुरंत लाके लगाना होता है। तो मैंने ये किया कि सबसे जो मेरा मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, उसको मैंने पहले धूप दिखाया। उसके बाद मैंने इसको जो है 1 से 2 दिन इसको मैंने धूप दिखाया। उसके बाद इसमें मैंने कंपोस्ट ऐड करके इस थर्माकोल के डब्बे में रख दिए हैं और ऊपर से मैं इसको कवर कर लूँगा, क्योंकि जिससे इसमें जो धूप है वो डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए मैं इसको कवर कर दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। इस गमले में हम सबसे पहले जो है मिट्टी भर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो प्लांट है उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका जो रूट है एकदम नीचे तक आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों प्लांट को सेपरेट करना है। इसमें कुछ मिट्टी है उसको हटा देता हूँ। इसका जो रूट है एकदम पूरा नीचे बाउंडिंग हो गया था, अब हमें आसानी होगा। इसका जो कुछ रूट है अब उसको हटा सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रहा है, तो मैं इसका जो रूट है उसको अभी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। देखिए हमने इसमें पहले से ही मिट्टी भर लिए हैं मिट्टी। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से लगा देना है एकदम सेंटर में बिठा के। देखिए दोस्तों, इसको मैंने सेंटर में लगा के ऐसा लगता है। अब हमें इसमें अच्छे से मिट्टी भरना है। मैं इस मिट्टी को यूज कर लेता हूँ।
इसको अच्छे से दबा दीजिएगा। ये हो गया हमारा, तो भी अब इसको जो इस प्रकार से अच्छे से थपथपाते हुए इसका जो मिट्टी है उसको भरिएगा, जिससे कि उसमें कोई एयर गैप ना बने। अब मैं इसको भी अच्छे से भर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये अभी विंटर से अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक ये फ्लावरिंग करता है। ठीक है, मैं इसको भी अच्छे से भर लेना। जो एयर गैप है उसको अच्छे से भरिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अच्छा बात यह है कि इसको जो आपको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है। और इसको हर दो दिन या एक दिन में पानी देते रहिए बस। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्लांट है वो रेडी है, मैं आपको दिखा रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, इसको रिपोर्टिंग करने के बाद ऐसा दिखता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें वाटरिंग करते हैं। मैं इसको अच्छे से वाटरिंग कर देता हूँ, जिससे कि अभी हमने जो रूट्स में छेड़छाड़ की है वो सॉक से इसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरा बताइएगा। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्हें गार्डनिंग पसंद है।